श्रीमद् भागवत गीता ना सिर्फ ये हिंदू धर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है बल्कि इसमें हर एक इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन्स है। हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ज्ञान और नॉलेज है जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा भगवद गीता के 700 श्लोकों में से 7 ऐसे लाइफ लेसन जो आपको अपनी लाइफ में आज ही इम्प्लीमेंट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन मिलता है भगवद गीता के पहले अध्याय से जो कि है लाइफ में टफ डिसीजन लेना। जब महाभारत की शुरुआत में अर्जुन का रथ श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में लेकर गए तो अर्जुन भावुक हो गया। वो अपने ही रिश्तेदारों और सगे संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहता था। इस टाइम भगवान कृष्ण ने उसे मोटिवेट किया और हिम्मत दी कि लाइफ में आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो सेम चीज अप्लाई होती है आपके कॉर्पोरेट करियर में। आपको हर दिन हर समय टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे और उन डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी होगी और सभी को वो कम्युनिकेट करना होगा कि जो आपने डिसीजन लिया है वो कंपनी के हित में है। सो टफ डिसीजन मेकिंग इज द फर्स्ट लेसन जो आप भगवद गीता से सीख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट लेसन की। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया वो है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानना। जब अर्जुन का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी कैपेबिलिटीज को रिमाइंड कराया और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हो। सो सेम चीज अप्लाई होती है आपके कॉर्पोरेट जॉब में भी। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी कैपेबिलिटीज की नॉलेज होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, तभी आप करियर में एक्सेल कर पाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है कर्म योग। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। सो सेम चीज आपके कॉर्पोरेट करियर में भी अप्लाई होती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से हैंडल करना है लेकिन आउटकम से डिटैच रह के। काफी बार क्या होता है, हम हमेशा जब भी कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं व्हाट इज इन इट अबाउट मी, इसमें मेरा क्या फायदा। आप पहले रिजल्ट को सोचने लग जाते हो और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो। इंपॉर्टेंट इज अगर आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो और आप देखोगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलना शुरू हो गई हैं। सो रिजल्ट से डिटैच रहना है और कर्म पे फोकस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि है भक्ति योग। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि सरेंडर करने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको अपने सीनियर से सरेंडर कर देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। सो सेम चीज अप्लाई होती है आपके कॉर्पोरेट करियर के अंदर। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए, एक ऐसा मेंटोर जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए, आपको गलत जाने से रोके और आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करे, आपको गाइडेंस दे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको आज ही लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवे लाइफ लेसन जो कि है ज्ञान योग। भगवद गीता में भगवान ने बताया कि हमें रियलिटी को रियल वे में देखना चाहिए। काफी कुछ चीजें जो हमें दिखाई दे रही है वो हो सकता है सही नहीं हो। आपको एक ही चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होता है तभी आप एक अच्छा और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो और उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान यानी कि लर्निंग। सो भगवद गीता आपको सिखाती है कि आपको कंटिन्यूअसली अपनी लर्निंग पे, अपने डेवलपमेंट पे फोकस करना है तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे, तभी आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी। सिक्स्थ लेसन है राजयोग। जैसे जैसे आप करियर में ग्रो करते हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। सेम टाइम आपको उस अथॉरिटी के टाइम पे भी सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ऑनेस्ट रहना है और जो ग्रुप का गोल है उस गोल पे आपको फोकस करना है। सेम चीज आपको पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा ग्रुप के बेनिफिट के बारे में सोचना होता है। सेम चीज अप्लाई होती है आपके करियर के अंदर भी। जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर बढ़ोगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी तो आपको उतना ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होना होगा। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप मुश्किल समय में भी काम कंपोज रह के सही डिसीजन मेकिंग कर सको और सबको साथ लेके चलने वाले एक लीडर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सको। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है
कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष जो भगवद गीता में बताया गया है। जैसे मोक्ष का मतलब होता है कि डेथ के बाद आपका दोबारा बर्थ नहीं होगा, आप लिबरेट हो जाओगे, सेम वे आपके कॉर्पोरेट करियर के अंदर भी काफी सारे ऐसे टेंस मूवमेंट आ सकते हैं जिससे आपकी इनर पीस, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपको अपने अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि आप इन सब चीजों से अफेक्ट नहीं हो और आपकी मेंटल पीस को कोई भी टर्बुलेंस डिस्टर्ब ना कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 7 लेसन्स आपको बहुत ही अच्छे लगे और आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेके आऊं तो वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए और मैं भगवद गीता से और इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके लिए लेके आऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।